अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन चीज़ रोल बना रहे हैं जो अक्सर हम शादियों या दावत में खाते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, इनको वॉश करके अच्छी तरह सुखाया है। हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। देखिए, हम चिकन में डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करिएगा। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ये हमने 3 ब्रेड स्लाइस का ग्राइंड किया है। इन चीज़ों को हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। हमने फाइन पीस लिया है, हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, इससे रोल का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम रोल बनाएंगे। रोल बनाने से पहले हमें तेल या बटर लगा लेना है, इससे पेस्ट चिपकेगा नहीं और रोल हमारा चिकन रोल स्मूथली बनेगा। हम चिकन के डो को हाथों से स्मूथली फ्लैट करेंगे और मोटे साइज़ के चीज़ स्लाइस इस पर स्टफिंग करेंगे। चीज़ की स्लाइस को आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे रोल का शेप देना है। हमारा रोल बन गया है। चिकन चीज़ रोल को हम पहले मैदे में कोटिंग करेंगे, फिर हम इन्हें अंडे में डिप करेंगे। हमने अंडे में थोड़ा नमक डालकर बीट किया है, इसमें कोटिंग करेंगे हम। अब हम चिकन रोल को कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को हमने ग्राइंड किया है हुआ है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं, पर जो हम शादियों या दावत में मिलते हैं वो इस तरह होते हैं। हम इस तरह सभी रोल्स को बना लेंगे। ये दूसरा भी मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ऐसे सभी रोल को हमें बना लेना है। हल्के हल्के हाथों से कॉर्नफ्लेक्स भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा रोल बनकर तैयार है। अब इसे हम बाद में फ्राई करेंगे, हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें रोल्स को फ्राई करेंगे। एक एक करके हम सभी रोल को इसमें तेल में डालेंगे। मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो रोल्स टूटने लगेगा और चीज़ बाहर आ जाएगा। इसे पलटना है, ये हर तरफ से पक जाए। यहाँ लगभग हमारा रोल फ्राई हो चुका है। ये देखिए, कलर भी अच्छा आ गया है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों में अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और
हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।